मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरिद्वार में आयोजित पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं योग गुरु स्वामी रामदेव भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आज सनातन भूषण सम्मान एवं संत समागम कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा हरिद्वार में सनातन भूषण से सम्मानित किया गया। हरिद्वार में आयोजित पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का परम श्रद्धेय योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मेरा पूज्य स्वामी रामदेव जी से निवेदन है कि वे मध्य प्रदेश की धरती पर भी भविष्य में एक गुरुकुल की स्थापना करें। मैं आपको इस कार्य के लिए भावपूर्ण निमंत्रण दे रहा हूं। समारोह में सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरिद्वार में बनने जा रहा नया गुरुकुल निश्चित रूप से अपने अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करेगा एवं दुनिया में मानवता की स्थापना करेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू की गई नई शिक्षा नीति का भी उद्देश्य हर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास और उनमें मानवीयता के उत्कृष्ट मापदंडों को पुनर्स्थापित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदित्य L1 के सूर्य की अंतिम कक्षा में प्रवेश करने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के समस्त वैज्ञानिकों को बधाई दी। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज भोपाल के 6 नंबर बस स्टॉप स्थित अंकुर खेल मैदान में आयोजित महर्षि मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर उपस्थित खिलाड़ियों एवं स्नेहजनों से संवाद किया। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आज अपने मंदसौर निवास पर आए जनसामान्य की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रदेश में आज मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के अंतर्गत 64,523 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रारूप प्रकाशन के संबंध में जानकारी दी गयी।